नाउ विल बी रिवाइजिंग द बायोसेंथिसिस ऑफ अकासिनइड्स ये पूरा फ्लोर चार्ट उन सब चीज़ों को ब्रीफली कवर करेगा जो हमने अपने लेक्चर में पढ़े बायोसेंथिसिस ऑफ अकासिनयड्स स्टार्ट विद द फॉस्फोलिपिड्स, विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। इन इस फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक एन्जाइम एक्ट करेगा द फॉसफोलाइपेज ए टू एन्जाइम विच विल भी कन्वर्ट द फॉसफोलिपिड्स इन टू एसिड इस अरेकेड एसिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा द पीजी जी सिंथेस ये जो पीजी जी एंजाइम होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं द साइक्लो ऑक्सीजनेस सिस्टम एंड द प्रोक्सीडेस सिस्टम जो साइक्लो ऑक्सीजनेस सिस्टम है वो पहले एक्ट करेगा अरेकेडनिक एसिड के ऊपर और इस अरेकेडनिक एसिड को एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा द पी जी इस पी के ऊपर पी जी सिंथेस का पर ऑक्सीडेस कॉम्पोनेंट एक्ट करेगा और वो पी जी जी टू को पी जी एच टू में कन्वर्ट कर देगा सो रिमेंबर साइक्लो ऑक्सीजनियस कॉम्पोनेंट एक्ट करता है अरेकेडनिक एसिड पे एंड कन्वर्ट्स द अरेकेडनिक एसिड टू पी जी जी टू दैन द पर ऑक्सीडेज कॉम्पोनेंट एक्ट्स ऑन पी जी जी टू एंड कन्वर्ट्स पी जी जी टू इन टू पी जी एच टू एंड आफ्टर वर्ड्स द पी जी जी पी जी एच टू इज़ कन्वर्टेड इंटू ऑसनॉइड्स जिनके अंदर थ्राम प्रोस्टासाइक्लिन प्रोस्टा साइक्लिन पी जी ई टू विच हैन बी फर्दर फॉर्म पी जी एफ़ टू एल्फ़ा एंड पी जी डी एज वेल सो यू नीड टू रिमेंबर दीज इनके जो ये वाले कॉसनोइड हैं इनके अंदर जो दो बातें मैंने आपको याद करने की बताईं दैट इंक्लूड साइट ऑफ सेंथसिस एंड इट इंक्लूड्स द फंक्शंस तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी तो जब भी आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर भी आपको क्वेश्चन आए के जॉ द फ्लो चार्ट और डायाग्राम ऑफ बायोसेंथिस ऑफ इकोसनॉड्स तो सिंपल आपने ये फ़्लो चार्ट बना देना है ये सारा का सारा फ्लो चार्ट कवर करेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे सिमिलरली अरेकेडनिक एसिड के ऊपर अगर आपका लाइपोक्सीजनीज इन्जाइम एक्ट करे तो वो फाइव लाइपो ऑक्सीजनेज इन्जाइम वेन इट एक्ट्स ऑन द अरकेड एसिड इट कन्वर्ट्स इट इंटू द कंपाउंड फाइव एच टी ई टी ई विच कन्वर्ट्स लेटर इंटू एल टी ए फोर एल टी ए फोर कहीं टिश्यूज़ के अंदर सेंथिसाइज हो सकता है ये एल टी ए फोर या तो कन्वर्ट होगा एल टी सी फ़ोर डी फोर और ई फोर में जिनके तीनों के कॉमन फंक्शंस होते हैं विच इंक्लूड ब्रॉन्कोस्पाजम वेजो दे आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलेक्सिस एंड दे प्ले एन इम्पॉटेंट रोल इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एजमा एज आई टोल्ड यू या तो एल टी ए फोर इन में कन्वर्ट हो जाएगा या एल टी ए फोर एल टी बी फोर में कन्वर्ट हो जाएगा एल टी बी फोर का आपको याद होगा क्या काम था इट इज़ टेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कीमोटैक्सिस ऑफ पोलीमोरफोल्यूक्ट सो ये सारा का सारा आपका ब्रीफ समरी uh, थी बायोसिंथेसिस ऑफ ऑफिनोइड्स की मेन चीज़ याद ये रखने वाली कि रैक्डोनिक एसिड दो तरह से आपके क्लासिफाई कर देतेनोइड्स को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपो ऑक्सीजन एंड द पी जी एट सेंथेज इन्जाइम तो दो किस्मों के आपके अकास्नाइड्स बनते हैं ये वाले जो कॉम्पोनेंट हैं ये थ्रोम्बॉक्सेंस और प्रोस्टाग्लैंड पे कॉम्प्राइज करता है और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये जो उनसे हैं ल्यूकोट्रीन्स पे कम्पा कम्पराइज करती है सो दिस लेक्चर वो इज़ वेरी ईजी है फ्लो चार्ट भी बहुत ईजी है और आपने ये वाला लेक्चर और पिछले वाला लेक्चर वीडियो प्रोजेक्ट आपको सुन मिलेगा उस लिहाज से आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज भी करना और भी करना है बेटा जो इस तरह के जो नोट्स होते हैं ना ये मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ ये मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आप जब ऐसे नोट्स देखो तो आप अपने ख़ुद के नोट्स इन्हें कॉपी करके बना लो और जब आप इन्हें कॉपी करके बना लोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं याद करने क्योंकि एग्ज़ाम से एक या दो दिन पहले आप पूरी पूरी बुक या लेक्चर की स्लाइड्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते तो जब आपके पास इस तरह के छोटे छोटे नोट्स बने पड़े होंगे तो आपने क्विकली बस ऐसे नोट्स को रिवाइज़ करना है और आपका पूरा पूरा टॉपिक कोई एक रिविजन में रिवाइज हो जाता है तो अपने लिए चीज़ों को खुद आसान करें टीचर मैक्सिमम कोशिश करता है आपके लिए चीज़ों को आसान करने की बाकी अगर आपका खुद विल होगा तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लोगे उनको लर्न भी कर लोगे थैंक यू वेरी मच